छतरीपुरा पुलिस ने लावारिस हालत में मिले 24 दो पहिया वाहन धारा 25 पुलिस एक्ट के तहत जब्त किए। थाना प्रभारी के अनुसार इन वाहनों की जांच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। छतरीपुरा थाना प्रभारी पवन सिंघल के अनुसार यातायात थाना पश्चिम इंदौर द्वारा क्रीम के माध्यम से इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में लावारिस हालत में खड़े वाहनों को यादव पश्चिम थाना लाया गया। इन वाहनों की जांच करने को लेकर छतरीपुरा थाना द्वारा धारा 25 पुलिस एक्ट में इन सभी 24 दो पहिया वाहनों को जब्त किया गया। थाना प्रभारी के अनुसार ये वाहन चोरी के तो नहीं है या किसी अपराध में इन वाहनों की संलिप्तता तो नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। सर, अलग अलग जगह से 24 वाहन जब्त किए गए सर, छतरीपुरा थाना द्वारा, सर क्या है पूरा मामला? यातायात का जो थाना परिसर है उसमें 24 वाहन वहाँ से हमने जब्त किए हैं। उनके माध्यम से जो है क्रेनर्स और जो लावारिस पड़े रहते हैं वाहन, वो वाहन को लेके और संबंधित थाने में रखते हैं। तो ऐसे 24 वाहन थे जो लावारिस अवस्था में थे, जिनका कोई मालिक उपस्थित नहीं हुआ था, तो वो हमारे द्वारा 25 पुलिस एक्ट में जब्त किए गए हैं। उनके इंजन 24 नंबर के माध्यम से हम ये जानकारी निकाल रहे हैं कि किस के वाहन हैं, ताकि वो संबंधित को उनका वाहन सुपुर्दगी पे दिया जा सके। सर, मतलब ये मान लें कि सर जिसके जो वाहन चोरी हुए थे या जी उन सूची में जिनने रिपोर्ट लिखाई थी सर, उनको उनकी गाड़ी बिल्कुल मिल जाएगी। हम हमारे यहाँ जो ऐप बना हुआ है उसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी को अपने अपने वाहन जो चोरी गए हैं या उनके द्वारा कोई रिपोर्ट की होगी तो वो उनको उपलब्ध हो जाए, तो निश्चित रूप से उनको उपलब्ध होंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।